Very good morning, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. I'm Dr. Manju Takshya. आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. तो चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर. अब आप क्या देख रहे हैं कि जैसे मैटर है बट वो अलग अलग टाइप के हैं, मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस आप देखते हैं. उनमें तो डिफरेंस क्यों है, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट टाइप्स के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग तरह के एटम उन मैटर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिनसे मैटर जो है अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं. अब क्वेश्चन क्या आता होगा दिमाग में कि व्हाट मेक्स द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अनदर एलिमेंट. हमने बात किया, जैसे हम बात कर रहे थे अलग अलग एलिमेंट की, जैसे कोई हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो इन एटम्स में मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है. सेकेंड क्वेश्चन ये आया होगा कि आर द एटम्स रियली इंडिविजिबल, मतलब क्या एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या उसको फर्दर मतलब जैसे डोल्टन साहब ने प्रपोज किया था कि एटम्स जो है दैट इज इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, तो क्या एटम को रियली वास्तव में ही मतलब उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, या फिर एटम और भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. तो इस चैप्टर में आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atoms. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एटम जो है उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, उसके अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम सब एटोमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, और ये जो सब एटोमिक पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से आपस में अरेंज होके एक एटम बनाते हैं, एक एटम की स्ट्रक्चर बनाते हैं. एक्चुअली हुआ क्या कि 19th सेंचुरी के एंड में जो साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, मेजर चैलेंज था, वो ये था कि एटम के स्ट्रक्चर को दिखाया कैसे जाए, हाउ टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज वेल एज टू एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. एटम की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनको एक्सप्लेन करना भी एक चैलेंज था. द एल्यूसिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए एटम के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए. वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट द एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल. कैसे पता चला, सबसे पहले कैसे पता चला कि एटम जो है इंडिविजिबल पार्टिकल्स नहीं है बट इसके अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. ये तब पता चला जब स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया जा रहा था. And the condition under which electricity is conducted by different substances, यानी कि कुछ सब्सटेंस थे उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो ये अगर केवल एटम ही है, अगर एटम ही है उसके अंदर और छोटे पार्टिकल्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स उनके अंदर जरूर होंगे, ऐसा साइंटिस्ट के दिमाग में आया. तो उन्होंने क्या किया, उनको दिमाग में ये तो जरूर आया कि मैटर के अंदर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो वो है वो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को. तो अब हम देखेंगे कि मैटर के अंदर कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं, और उसको समझने के लिए हम कैरी आउट करेंगे एक्टिविटी 4.1. इसमें सिंपल आपको क्या करना है, पहले छोटी छोटी चीजों से देखते हैं कि ड्राई हेयर्स को कॉम करना है, ठीक है. उसके बाद जब उस कॉम को आप किसी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के कॉन्टेक्ट में लाओगे तो यू विल सी कि जो कॉम जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर. सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हैं कि एक ग्लास रोड को किसी भी सिल्क के क्लोथ के साथ रब कीजिए, ठीक है, आप देखेंगे. और जब उस रोड को आप किसी इन्फ्लेटेड बैलून के पास लाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है. सो इन एक्टिविटी से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हो तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं. वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, अब बात यह है कि चार्ज आया कहां से. दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. इसका मतलब क्या है कि भी एटम जो है उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और ये जो है चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. अब ये जो एटम के जो चार्ज्ड पार्टिकल्स की प्रेजेंस है, एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसको रिवील करने में, इसको शो करने में बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है. अब 1900 तक ये बात तो पता लगाई गई कि एटम वाज इंडिविजिबल पार्टिकल्स बट कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, जिसको बोला गया इलेक्ट्रॉन. और ये इलेक्ट्रॉन जो है आइडेंटिफाई किया गया जे जे
थॉमसोन के द्वारा। तो जे जे थॉमसोन ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया 1900 में। लेकिन इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने से पहले ही ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि इसमें से न्यू रेडिएशन निकल रही है, जिसको उन्होंने बोला कैनाल रेज। और ये जो रेडिएशन है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है, विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटोमिक पार्टिकल्स। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब कैनाल रे ये जो है पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन हैं, इससे हमें ये पता चला कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स दे हैड अ चार्ज, इनके ऊपर चार्ज कितना है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है मैग्नीट्यूड में उतना ही है, अमाउंट में उतना ही है, लेकिन साइन इसका अपोजिट है। और रही बात मास की, तो जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए थे, इनका जो मास था इट वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाद में इनको नाम दिया प्रोटॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्डस्टीन ने जो कैनाल रेज की डिस्कवरी की थी, इनको नाम दिया था प्रोटॉन। इन जनरल जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट कर दिया ई से और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर दिया पी से, उसके ऊपर प्लस चार्ज लगा दिया। यहां से देखो आपके कितने क्वेश्चन बन गए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई, 1900 में। किसने डिस्कवर किया, जे जे थॉमसोन ने। 1886 में क्या डिस्कवरी हुई, ई गोल्डस्टीन ने यह बताया कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस हैं, जिनको नाम दिया कैनाल रेज। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कैनाल रेज क्या होती है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशन विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन साइन में अपोजिट है। इनका जो मास है उसका, और इनको हमने प्रोटॉन नाम दिया था, इनका मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम्स ज्यादा है। और अब इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया, प्रोटॉन को पी प्लस से। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। अब मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड चार्ज इसका ले लिया प्लस 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, लेकिन इसका चार्ज लेते हैं माइनस 1। इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो जो प्रोटॉन लिया हमने, प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1 और इसका मास भी 1 होता है। हमने कहा इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल लेते हैं, तो 0 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मास लगभग हम 0 के बराबर लेते हैं, और चार्ज होता है इसका माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, जैसे प्रोटॉन को तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये प्लस 1, यहाँ पे चार्ज हो गया और इसका मास भी 1 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास नेग्लिजिबल है, हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट करेंगे कि इसका माइनस 1 चार्ज है। तो इट सीम दैट, अब क्या पता चला कि एक एटम जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है, जो कि चार्ज को बैलेंस कर दे रहे हैं। इट ऑल्सो अपियर दैट प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम, एटम के भीतर प्रोटॉन प्रेजेंट है, फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन कुड इजिली बी रिमूव ऑफ। यानी कि इलेक्ट्रॉन को तो एटम की स्ट्रक्चर से इजीली रिमूव किया जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को रिमूव नहीं किया जाता। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म। यानी कि ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर जो है प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एक्चुअल ये नहीं पता चला कि एटम की एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट है। तो इन सब का जब हम देखेंगे कि आगे स्टडी में पता चलेगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। लेकिन इस सेक्शन से हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि व्हाट आर द कैनाल रेज। तो आपने क्या देखा, कैनाल रेज जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही चार्ज होता है, लेकिन साइन अपोजिट होता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे समझा था। आपके जो कैनाल रे हैं ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और इनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है, जैसे इसके ऊपर प्लस 1, इसके ऊपर माइनस 1, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है मैग्नीट्यूड उतना ही है, लेकिन साइन अपोजिट है, जैसे यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। सेकेंड आपसे पूछा कि इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नोट। देखो हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल है, लेकिन अपोजिट इन साइन है। तो क्या होगा, एक प्रोटॉन चार्ज,
एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, ठीक है, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, नेट चार्ज कितना आ जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। अब पूछा क्या है कि विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, क्योंकि आप एटम आपको कैसा दिखाई देगा, न्यूट्रल दिखाई देगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो एटम के ऊपर नेट चार्ज 0। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।